आज मैं दिन का शुरुआत करता हूँ यहाँ से। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रांड न्यू व्लॉग। आज सैटरडे है और कल है मेरा बर्थडे, तो मैं वही सोच रहा था कि कल हम लोग क्या क्या करेंगे। बेसिकली वो तो मैं दिखाऊंगा ही आप लोगों को व्लॉग के माध्यम से। और आज रात को हम लोग जितना भी कुछ प्रिपरेशन है केक वेक लाने का वो सब देख लेंगे रात को। तो आप लोग देखो पूरा ये व्लॉग और देखो पूरा एंड तक। सीन भी है, मेरे को थोड़ा बहुत पढ़ाई करना है क्योंकि कल तो मैं नहीं करूंगा पढ़ाई। कल वैसे भी संडे है और वैसे भी बर्थडे है, बर्थडे का दिन कौन पढ़ते है, तो मैं नहीं पढ़ूंगा कल, तो आज ही मैं पढ़ लूंगा सारा कुछ। क्या बना रही हो ब्रेकफास्ट में? हाँ बोलो। चाउल मतलब चाउल को पूरा एकदम ऐसा करना पड़ रहा है ना, तोड़ना पड़ रहा हाथ से। देख लो इतना जम गया, लेकिन जब इसको बॉल करोगे इतनू सा हो जाएगा, इतनू सा। ठीक है, आप चाउमीन बनाओ फिर खाएंगे। ओके, तो बहुत देर भी हो चुका था इसीलिए जल्दी जल्दी मैंने भी ये ब्रेकफास्ट बना लिया, क्योंकि शुभम को अभी बहुत ज़्यादा भूख लगा था। तो चलिए देखते हैं, जल्दी जल्दी ये चाउमीन बना लेते हैं। ऑलमोस्ट हो ही चुका है, तो अभी तो चाउमीन ये वेजिटेबल सब फ्राई करके चाउमीन उसके साथ मिक्स करेंगे। और देखिए ये बहुत ही जल्दी जल्दी मैंने बना लिया और शुभम को दे भी दिया, उसको बहुत ही ज़्यादा भूख लगा था और बहुत चाउमीन दिक्कत, तो और भी भूख ज़्यादा बढ़ गया था। तो चलिए, एक चाउमीन किया था सुबह सुबह तो खा लेंगे। चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। गर्मा गर्म यहाँ पे चाउमीन देख सकते हो। मैंने थोड़ा सा काला नमक काट दिया था इसमें। अंडा डाला है मम्मी ने, मस्त बना, मस्त बना गाइस, मस्त बना। जल्दी से खा लेते हैं, बनाई करेंगे। तो अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट हो चुका है और मैं थोड़ा सा पढ़ाई करूंगा, तो मिलते हैं पढ़ाई करने के बाद। अभी मेरा नहाना हो चुका है और अभी मैं करूंगा पूजा, तो चलो पूजा कर लेते हैं। पूजा भी हो चुका है, एक बार में लंच के टाइम दिखाता है क्योंकि अभी तो कुछ दिखाने लायक है ही नहीं। खाना आ चुका है, ये है चावल, ऑमलेट, आलू भाजा और ये थोड़ा सा चिप्स, और दाल भी है, मसूर दाल ना। ठीक है चलो दे दो, आज यही खाना खाएंगे सिंपल एकदम। तो हमारा घर का कुछ काज हो रहा था, कुछ एक्चुअली स्टॉप कॉल चेंज करना था, स्टॉप कॉल ये टूट गया था इसीलिए पानी ठीक ठाक से नल से नहीं आ रहा था, तो ये काज हो रहा था बाहर। और उसके बाद मैं शुभम को थोड़ा सा ये दुकान भेजा था वो पनीर और कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि घर में ही कुछ खाना बनाएंगे आज इसीलिए वो गया। तो मम्मी ने कुछ सामान खरीदने के लिए भेजा था मेरे को और वो सब लेके मैं आ चुका हूँ। आज रात को पनीर का सब्जी बनाना होगा, तो मम्मी फिलहाल अच्छा चाय बनाएगी आज, और ये थोड़ा सा खा रहा हूँ मैं पनीर का सब्जी। मम्मी बना के तब तो मैं बिल्कुल ही दिखाऊंगा। और मम्मी बोली हलवा बनाएगी आज, तो देखते हैं। तो आज घर में ही खाना बनाएंगे प्री बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। एक्चुअली घर में ही घर का खाना ही अच्छा लगता है। बहुत सारे कुछ बनाया मैंने, और ये बासंती पुलाव और जीरा राइस एक साथ, जैसे एक साथ करके ही कर लिया। और उसके बाद पनीर ले आया था, शुभम का बहुत ही फेवरेट है पनीर, इसके लिए वो पनीर भी बनाया। और ये थोड़ा सा ये पत्ता गोभी और थोड़ा सा सब्जी था वो सब एक साथ करके मिक्स करके उसको पकोड़ा भी बनाया। और सिमोई था, मिठास के लिए कुछ भी ज़रूरत होता है इसीलिए सिमोई का कुछ घी में फ्राई करके उसके ऊपर कुछ मिठास जैसे बनाया। और ये ऊपर से ना बहुत प्रॉब्लम हो गया था जो स्टॉप कॉल चेंज करने के बाद, वो थोड़ा सा ये वॉश भी करना है ये नल का जो मैंने बोली थी, तो इसीलिए एक्वागार्ड भी ठीक ठाक से नहीं भर रहा था ये, इसीलिए वो पानी के बोतल भी ले आया शुभम ने, क्योंकि पानी का तो ज़रूरत पड़ेगा ही। तो ये सब करके चलिए देखते हैं, बहुत सारा खाना बनाया। इसके बाद पहले बनाएंगे ये पनीर का सब्जी, क्योंकि पनीर का सब्जी वो जैसे बनता है, पहले ये बहुत सारा मसाला डालकर मैंने ये पनीर को मिक्स कर लिया। उसके बाद क्या होता है,
पनीर को पहले फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद ही ये आलू और दूसरा कुछ डालेंगे ग्रेवी कर बनाने के लिए, क्योंकि सबों का ये पनीर का सब्जी बहुत ही पसंद है, इसीलिए जल्दी जल्दी बना है ना मम्मी, पूरा एकदम शाही पनीर का टेस्ट का हुआ है। अरे ये तो सिर्फ ये फ्राई हुआ है। हाँ, फ्राई में ही टेस्ट आ रहा है। और ये क्या आलू है ना, आज तो वैसे एक्वागार्ड भी खराब हो गया, तो इसलिए ये पानी का बोतल लाना पड़ा। क्या हुआ? वो एक्वागार्ड खराब नहीं हुआ है, वो एक्चुअली स्टॉक पर चेंज करना पड़ा ना, ये बाहर में जो काम बढ़ाया था। हाँ, इसीलिए शायद उसमें कुछ ये कीचड़ कुछ भी ये जमा हुए है। अच्छा, का ये उसको बुलाना पड़ेगा। अच्छा, इसलिए तो मेरे को जाना पड़ा और ये बोतल लाना पड़ा। ये अगर फ्राई हो जाएगा तो ये दे। अच्छा, थोड़ा सा लहसुन अदरक है, अदरक और लहसुन। ये तो फिलहाल अभी आलू बॉयल होगा, मतलब आलू फ्राई हो रहा है, और ये अदरक लहसुन डाल दिया है, और उसके बाद पनीर डालेगी और सब्जी। हाँ, थोड़ा सा मसाला दूंगी उसके बाद। थोड़ा मसाला है? हाँ, मसाला नहीं, पनीर मसाला नहीं, मसाला मसाला ये नहीं है पनीर का, इधर ही ये जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। अच्छा, वो तो आप लोगों ने आपने अभी दिया था, तो फ्राई करना पनीर में दिया। ठीक है, चलो आप बनाओ। प्याज थोड़ा सा प्याज। अच्छा, एक टोमेटो दे दो अंदर से बढ़कर। एक टोमेटो देखता हूँ कहाँ पे है। एक ही था, और ये पेस्ट होता है आपको तो बस करती हूँ। और दो तीन तो ये क्या देख लो, फ्रिज बंद करने बोलती है, फिर बोलती है हरी मिर्च ये लो, हो जाएगा दो तीन तो बोला था। ठीक है, चलो ये क्या है, बीन्स दे दिया था। बीन्स दे दिया आ दो। नहीं ये तो ठीक है, ये हरी मिर्च है, ये फ्रिज बंद कर दे। ये लो ये लो, ये हरी मिर्च है। और फ्रिज बंद कर, बहुत गोलमाल हो रहा है अभी। राइस एकदम हो चुका है, बसंती पुलाव बोल सकते हो इसको, मतलब जीरा बसंती पुलाव बोलो इसको, तो ये अच्छा है। अभी एक जैसा किया था। हाँ, अच्छा हुआ। और थोड़ा सा पनीर का पीसेस भी दिया है, पनीर का पीसेस भी दिया है, अच्छा लगता है। हाँ, बहुत ही अच्छा लगता है इसको पनीर का साथ, और लुच्ची और वो हलवा, और अगर बंदा गोभी का पकौड़ा बनाओगी तो उसके साथ भी खाएंगे। तो आज तो हाँ थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और अभी क्या हलवा बनाओगी? ये अच्छा, उसके बाद ठीक है। चलो जब हलवा बनाओगी तब मैं दिखाता हूँ सबको। ये पकौड़े में पूरा एकदम मिक्स कर लिया, बेसन डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके, और अभी तेल से इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद ये बंधा गोभी का ये पकौड़ा फ्राई कर लिया, बंधा गोभी के साथ थोड़ा सा बीन्स प्याज सब कुछ ये मिक्स करके फ्राई कर लिया। ये बहुत ही अच्छा लगता है पुलाव के साथ। और ऑलमोस्ट हो ही गया था सभी खाना बनाना, ये लास्ट में एकदम पूरी फ्राई किया, क्योंकि गर्मा गर्म पूरी ना फ्राई करने के बाद ही खाने में बहुत ही टेस्ट आता है, इसीलिए बहुत ही लास्ट में सब कुछ हो जाने के बाद ये लास्ट में पूरी फ्राई कर लिया। उधर ये शुभम को भी बोल दिया चले आ खाना खाने के लिए, हो गया था। और ये देखिए कितना कम टाइम में बहुत सारा खाना बनाने की कोशिश की। आप भी चलिए ये हम लोगों के साथ खाना खाने के लिए, प्री बर्थडे सेलिब्रेशन मनाइए। और चलिए अभी खाने के लिए बैठ चुके हैं। आज बहुत अच्छा अच्छा खाना है, पूरी है, पनीर का सब्जी है, जीरा राइस है, ये पकौड़ा है बंदा गोभी का, और ये शिमुई है। ये शिमुई को थोड़ा सा ऐसा मम्मी ने बनाया है मीठा, क्योंकि वो क्या बोलते हैं उसको थोड़ा सा घी में ये करके, घी में उसको फ्राई करके, फ्राई उसके करके साथ ये काजू किशमिश मिलाकर, और दूध तो और नहीं सूजी खत्म हो गया था वही। हाँ, सूजी तो खत्म हो गया था, वो हलवा बनाने का प्लान था तो हाँ। ये चेंज हो गया, तो ये दूध नहीं दिया, थोड़ा सा ये चाशनी करके उसके ऊपर दे दिया, थोड़ा सा नया ट्राई किया। देखने में तो अच्छा ही लग रहा है, खा कर देख, पहले थोड़ा सा खा के देखता हूँ। अच्छा है, मीठा है, थोड़ा सा ड्राई ड्राई बना हाँ। मीठा है। तो चलो अभी मेन में खाते हैं, थोड़ा सा लूची और साथ ही पनीर का सब्जी, यही मेन है पनीर। हाँ,
मत बना, घर के खाने का मजा ही कुछ और है। अच्छा हुआ क्या, बहुत मत बना, बहुत एकदम पूरा एकदम सॉफ्ट बना, कैसा जीरा राइस खाते हैं ये पकोड़ा, पकोड़ा जीरा राइस के साथ खा, अच्छा लगेगा। पहले थोड़ा सा पकोड़ा नॉर्मल टेस्ट करके देखते हैं, बहुत ही अच्छा, तभी मैं बैठ बैठ के थोड़ा सा खा रहा था। जीरा राइस के साथ भी बहुत मस्त लग रहा है, जीरा राइस ठीक ठाक हुआ है क्या? वो थोड़ा सा मैं हल्दी दे दिया, बसंती पुलाव और जीरा राइस मिक्स करके हो गया मीडियम में, बसंती बसंती जीरा पुलाव, और थोड़ा उसमें ये पनीर भी दिया, थोड़ा थोड़ा पीस करके, पनीर तो मस्त है, छोटा पीसेस करके, और इसमें जो धनिया डाला ना, फ्रेशनेस का एक टेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है, मत बना। पकोड़ा में तो ये थोड़ा सा वाता कॉपी, उसने उस टाइम तो बोला था जब ये हो रहा था, तो ये स्प्रिंग ऑनियन, उसके साथ थोड़ा सा ये मिर्च, हरा मिर्च, ये सब देकर मस्त लग रहा है, आज खाना बहुत ही मस्त बने, एक एक करके खा। इतना अच्छा अच्छा बनाया ना, तो चलो खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। आज सब पसंदीदा खाना बना है, प्री बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, प्री बर्थडे सेलिब्रेशन, बर्थडे का आगे, और घर का खाना ना सब अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। सो खाना पीना हो चुका है, और मम्मी कुछ बोलना? हाँ बोलना मतलब ये आज तो प्री बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ है, घर में ही बहुत सारा खाना खाया, खाना बनाया एक्चुअली। रात को ही बनाया है, तो इसीलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि घर में ही घर का ही खाना बनाकर हम लोग ये सेलिब्रेशन किया है। कल तो मेन सेलिब्रेशन है, क्योंकि कल मेन बर्थडे, आज तो एक दिन पहले ही थोड़ा सा प्री बर्थडे सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन नहीं मतलब अच्छा अच्छा खाना है, अच्छा अच्छा खाना हम लोग के मतलब ये हम लोगों के बीच में ही बहुत सारा ये मजा किया है, खाना खाया है, गप्पे लड़ाया है, सब कुछ करके ये अभी हम लोग आए हैं सोने के लिए, बहुत नींद भी आ चुका है, कल सुबह सुबह जल्दी उठना है। हाँ कल सुबह सुबह जल्दी उठना है, कल भी बहुत सारा कुछ प्लानिंग भी है, देखते हैं क्या क्या करते हैं। अभी तो कोविड के सिचुएशन में बहुत सारे लोगों को घर में नहीं बुला पाते, नहीं बुला पाएंगे, तो देखते हैं क्या करते हैं। So, अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना ये व्लॉग अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ, और मेरे चैनल शुभम टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्रांड न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।